तो गाइस इन दोनों इंस्टाग्राम पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, बहुत बड़ा इशू चल रहा है कि जैसे हम लोग अपने इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, हमारा इंस्टाग्राम एप्लीकेशन ओपन नहीं होता है, उसमें ब्लैक स्क्रीन आ जाती है, ब्लैंक स्क्रीन आ जाती है, तो ब्लैक स्क्रीन आ जाती है, व्हाइट स्क्रीन आ जाती है, या तो हमारा इंस्टाग्राम एप्लीकेशन ओपन ही नहीं होता है। इशू अभी कुछ दिन पहले मेरे साथ भी चल रहा था, तो अब तो मैंने उसको फाइनली ठीक कर दिया है। तो बहुत लोगों ने उसका नाम दे दिया है इंस्टाग्राम व्हाइट स्क्रीन प्रॉब्लम नाम से ये चल रही है इशू। इसको आप लोग देख सकते हैं यूट्यूब पे लाखों वीडियोस के अपलोड हो चुकी है, लेकिन इस वीडियो में आप लोग को यही बताने वाला हूं कि हम लोग अपने इंस्टाग्राम में व्हाइट स्क्रीन प्रॉब्लम को कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो मैंने अपने इंस्टाग्राम के व्हाइट स्क्रीन प्रॉब्लम को कैसे फिक्स किया, मैं अपने सारे स्टेप्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो गाइस अगर आप लोगों ने अभी तक माय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना कर रखा हो तो आप तुरंत ही माय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सो आइए चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आप लोग से 5 स्टेप्स बताने वाला हूं जिसको आप लोग अपने फोन में कर लेंगे तो आपका इंस्टाग्राम से व्हाइट स्क्रीन की प्रॉब्लम जो है एकदम 100% है कि वो फिक्स हो जाएगी, उसके बाद आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सो सबसे पहले हम लोग स्टेप 1 की बात कर लेते हैं। उसमें आप लोग को कुछ भी नहीं करना है, उसमें सिंपली आप लोग को अपने फोन को सबसे पहले फ्लाइट मोड पे डाल देना है। सो हम लोग अपने फोन को सबसे पहले फ्लाइट मोड पे डाल देते हैं। उसके बाद गाइस आप लोग को क्या करना है, आप लोग अपने फोन को रीस्टार्ट कर लेना है। आप लोग अपने फोन को दोबारा से इसको स्विच ऑफ करिए और यहां पे देख सकते हैं रीस्टार्ट रिबूट का एक ऑप्शन आप लोग को दिख जाएगा, तो आप लोग को बस इसी पे क्लिक कर देना है, तो आपका फोन जो है रिबूट हो जाएगा। सो गाइस अपने फोन को रीस्टार्ट करने के बाद आप लोग को अपने प्ले स्टोर पे चले आना है। प्ले स्टोर पे जाने के बाद आप लोग यहां पे सिंपली सर्च कर लेना है इंस्टाग्राम। तो यहां पे हम लोग जैसे अपने इंस्टाग्राम एप्लीकेशन पे चले आएंगे तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं इसको अनइंस्टॉल का ऑप्शन आप लोग को दिख जाएगा। अगर आप लोग का ऐप जो है अपडेट वगैरह नहीं है तो आप लोग इसको सिंपली यहां सबसे पहले अनइंस्टॉल कर दीजिए, और इसको अनइंस्टॉल करने के बाद आप लोग को दोबारा से अपने इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद अगर आप लोग का इंस्टाग्राम सही नहीं होता है तो उसके बाद आप लोग अपने इंस्टाग्राम एप्लीकेशन पे ऐसे देर तक क्लिक करते रहना है। उसके बाद आप लोग को यहां पे ऑप्शंस आ जाएंगे, यहां पे आप लोग को ऐप इन्फो पे चले आना है। तो यहां पे जाने के बाद आप लोग को यहां पे क्लियर डेटा पे चले आना है, और यहां पे आप लोग देख सकते हैं क्लियर कैसे का ऑप्शन आप लोग को शो कर रहा होगा, आप लोग को बस इसे क्लियर कैसे पे आप लोग को क्लिक कर देना है। यहां पे तीसरे स्टेप पे, क्योंकि प्रॉब्लम जो है हमारे इंस्टाग्राम के ऑफिशियल वर्जन पे आ रही है, तो ये प्रॉब्लम बस ऑफिशियल वर्जन पे ही है, तो इसके लिए हम लोग को क्या कर लेना है, हम लोग को अपने इंस्टाग्राम एप्लीकेशन का डुअल ऐप बना लेना है, या तो उसका क्लोन बना लेना है मतलब की। तो यहां पे हम लोग इसको डुअल ऐप पे चले आते हैं अपने फोन में। तो यहां पे हम लोग डुअल ऐप सर्च कर लेंगे, तो यहां पे आप लोग को डुअल ऐप्स का एक ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहां से आप लोग अपने इंस्टाग्राम का यहां से आप लोग इसको क्लोन बना दीजिए। तो आप लोग जब क्लोन बना देंगे और क्लोन आप यूज करेंगे तो आपके में ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, आपका इंस्टाग्राम ऐसे चलता रहेगा और आप लोग को इंस्टाग्राम में कोई भी प्रॉब्लम ऐसे नहीं होने वाली। अपने फोर्थ स्टेप की, तो फोर्थ स्टेप में आप लोग को क्या करना है, आप लोग को सिंपली एक बार अपना क्रोम ओपन कर लेना है। आप लोग देख सकते हैं न्यू इनकॉग्निटिव मोड जो है, आप लोग को न्यू इनकॉग्निटिव टैब आप लोग को ओपन कर लेना है। उसके बाद आप लोग को instagram.com पे चले आना है, और वहां पे जाके आप लोग अपने इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को लॉग इन कर लेना है, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को लॉग इन कर लेना है। सो जब आप लोग अपने अकाउंट को एक बार लॉग इन करके उसको 5-10 मिनट ऐसे चला लीजिए, उसके बाद आप अपने अकाउंट को दोबारा अपने ऐप में यूज करेंगे तो आप लोग को ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप अपने ऐप को एक बार अपडेट करके दोबारा आप उसको यूज करिए। गाइस हम लोग बात कर लेते हैं अपने पांचवें स्टेप की, जिसको अगर आप लोग अपने अकाउंट में यूज करेंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम है व्हाइट स्क्रीन की वो 100% फिक्स हो जाएगी, और उसमें आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मेरी भी अकाउंट की प्रॉब्लम है वो इसी स्टेप से फिक्स हुई है। सो उसके बाद देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग अपने इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। यहां से आने के बाद गाइस आप लोग यहां पे अपने प्रोफाइल पे चले आना है। प्रोफाइल पे आ जाइए। प्रोफाइल पे आने के बाद आप लोग को यहां पे राइट कॉर्नर पे 3 डॉट्स हैं, वहां पे आप लोग को क्लिक कर देना है। सो यहां पे आने के बाद आप लोग को नॉर्मली सेटिंग पे चले आना है। सो गाइस जब आप लोग अपने फोन में सेटिंग पे चले आएंगे तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं आप लोग को एक हेल्प का एक ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप लोग को बस इसी हेल्प पे चले आना है। और नीचे आप लोग देख सकते हैं यहां पे सबसे ऊपर आप लोग को एक रिपोर्ट ऑफ प्रॉब्लम का एक ऑप्शन आप लोग को मिल जाएगा, तो यहां पे आप लोग को रिपोर्ट ऑफ प्रॉब्लम पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ओके कर देना है। सो उसके बाद आप लोग को ओके कर देना है, रिपोर्ट ऑफ प्रॉब्लम पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आप लोग को रिपोर्ट ऑफ प्रॉब्लम पे दोबारा से क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोग के फोन स्क्रीन में कुछ ऐसे ऑप्शंस आप लोग के यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे से आप लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं आप लोग को जो टाइप कर रहा हूँ आप लोग को यही चीज आप लोग को टाइप कर लेना है, या तो चाहे आप तो अपने से भी इसको टाइप कर सकते हैं। इसमें आप लोग को अपनी प्रॉब्लम बता देनी है, तो जैसे कि मैंने इसमें लिख दिया, डियर इंस्टाग्राम टीम, आई एम अनेबल टू यूज माई अकाउंट, वेन एवर आई स्टार्ट माई इंस्टाग्राम इट शोज व्हाइट स्क्रीन एंड डज नॉट ओपन ऐप, सो आई एम अनेबल टू यूज माई अकाउंट, सो प्लीज सॉल्व दिस एज सून एज पॉसिबल। तो ऐसा ही कुछ करके आप भी लिख सकते हैं। अगर आप लोग को इसको चाहिए ये फॉर्मेट तो मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग इसको वहां से कॉपी कर सकते हैं, जिसको आप लोग यहाँ पे बस आप लोग इसको पेस्ट कर दीजिएगा। तो गाइस आप लोग को जैसे आपके फोन में जो प्रॉब्लम आती है, अगर आप लोग के फोन में व्हाइट स्क्रीन की प्रॉब्लम आ रही है, तो ब्लैक स्क्रीन की प्रॉब्लम आ रही है खोलते वक्त इंस्टाग्राम, तो आप लोग को उसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद गाइस आप लोग को ये सब लिख लेना है। इसमें लिखने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं एक गैलरी का ऑप्शन आप लोग को मिल रहा है, तो यहाँ पे इसे गैलरी पे आना है। गैलरी पे आने के बाद आप लोग को अपनी उसी जो स्क्रीनशॉट लिए हैं आप लोग को यहाँ पे आप लोग
उसको उसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद गाइस आप लोग यहाँ पे इसको नेक्स्ट पे क्लिक करके सेंड रिपोर्ट पे कर देना है। तो अभी जैसे मैं इसको नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरी जो प्रॉब्लम है वो फिक्स हो चुकी है। आप भी अपने इंस्टाग्राम में व्हाइट स्क्रीन की प्रॉब्लम या ब्लैक स्क्रीन की प्रॉब्लम या ब्लैक स्क्रीन की जो प्रॉब्लम आ रही है उससे आप लोग बच सकते हैं, उसको आप लोग अपने अकाउंट में फिक्स कर सकते हैं। सो गाइस होप ये वीडियो आप लोग के लिए काफी हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो आप लोग के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न कर रखा हो तो आप तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। लेंगे आप सबसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।